मलिका दिखेंगी छोटे पर्दे पर एक प्रोग्राम बैचलरेट इंडिया मेरे ख्यालों की मलिका में, जिसमें वो खोजेंगी अपना प्यार और रचाएंगी स्वयंवर। पहली बात तो दूल्हे की बात तो किसी ने प्रॉमिस नहीं की। आई ऑलवेज सेड आई एम लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप एंड फॉर लव। और जैसा कि मैंने कहा कि आज टीवी जो है एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, टीवी की अप्रोच जो है वो लिमिटलेस है और मेरी अप्रोच लिमिटेड है। तो बिल्कुल, इफ आई कैन फाइंड लव एंड कंपेनियनशिप थ्रू दिस शो ऑन टीवी, दैट बी ग्रेट। चलिए, ये बात तो थी मलिका की, पर अब जरा इनके दीवानों की लिस्ट भी तो देख ली जाए। देखिए, मौका मिलते ही कैसे ये जुट गए हैं मलिका को प्रपोज करने में। न्यू दिल्ली, आई वर्क विद द स्टेट्समैन, तो आई एम द फर्स्ट एप्लीकेंट ऑफिशियली अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। अरे सुनाई नहीं दे रहा, हाँ बोलिए। आई एम ऑफिशियली अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। आई एम कीपिंग माय सीवी हियर। आई एम रवि कपूर। Nice to meet you, Ravi. I'm media guy. सोचा लगे हाथ आपको प्रपोज कर दूं आपके लिए। थैंक यू। ओह, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं अच्छी लगती हूँ? अब मैं क्या कहूँ, कहिए ना, कहिए, मैं सुन रही हूँ। देखिए, मौका था, दस्तूर भी था, मैं चढ़ पीछे बैठा था, आपको प्रपोज करने आ गया। थैंक यू। आपके लिए एक और ग्लोब है। वन मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कोई तो यहाँ सिंगर भी बन गया। तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्रसा, मुझे तन तेरा। मुझे पता है लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, और आपने बोला था कि स्लम से लेकर के महलों तक, बैरक से लेकर के क्लिंटन तक, मैं कुछ नहीं हूँ, माय नेम इज आलोक, और तहे दिल से आपको प्रपोज करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आपकी उम्र? 20 साल। आप 20 साल के? 21। आपकी लहराती जुल्फों से खेलना चाहता हूँ, आपकी नशीली आंखों में डूबना चाहता हूँ। एक बात कहूँ, आपसे प्यार करना चाहता हूँ। चलिए, प्रपोजल्स तो हो गए, अब जरा मल्लिका से थोड़ा सा ज्ञान भी ले लिया जाए शादी के लिए। इंसान के हर पुरुष को मौका मिलेगा एक एप्लीकेंट बनने का, इससे बड़ी खासियत क्या होगी? लोग यही सोचते हैं ना कि अगर एक सक्सेसफुल अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, उसके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, बट दे डोंट रियलाइज आई एम जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल। जैसा कि मैंने कहा, जो स्लम में रहने वाली लड़की की एक आवश्यकता है, वो एक एक्ट्रेस की या महलों में रहने वाली राजकुमारी की भी सेम आवश्यकता है। और जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, वैसे वैसे जिंदगी छोटी होती है। वैसे मैडम, आपको कैसा हस्बैंड चाहिए ये भी तो बता दीजिए। I would like him to be an Indian, because मैं हिंदुस्तानी हूँ, and I would want him to be Indian. Same culture, same thoughts, same upbringing. But just for your information, we are opening up the audition lines to everybody. So if somebody from outside applies, we'll take it. तीन तो बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा नाम हो गए। One नाम मैंने बोला, करण जौहर। I think he's a perfect bachelor. He's charming, he's successful. And he has a lot of integrity. I don't think he has to be wealthy. I think for a balance in a healthy relationship, he should be successful. आपकी पसंद तो हमें पता चल गई। अब जरा ये भी जान लें कि दूल्हे की इस खोज में आपका साथ कौन कौन देने वाला है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ऑडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करें और वो भी अपनी राय दें। अजीत जी की राय होगी, इनकी राय होगी, मेरे ब्रदर, आई विल लुक टू माई ब्रदर एंड टू माई मदर, और मेरी मदर के साथ उनकी दो बहनें भी शो में आएंगी, मेरी मौसियाँ, तो उनकी भी राय लूंगी मैं। चलिए, आफ्टर दिस वी होप यू विल गेट द राइट गाय फॉर यू, बट नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू प्रोग्राम।